सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृषा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। कृष्णा राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे राधे राधे कृषा। आज मैं आपसे बात करूंगी कामिका एकादशी के बारे में। ये एकादशी कब आती है, व्रत कैसे करना है और व्रत का पारण कैसे करना है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। 16 जुलाई 2020 को कामिका एकादशी आ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। एकादशी के व्रत करने से हजारों व्रत के बराबर पुण्य का फल मिलता है, लाभ मिलता है। पद्म पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्री हरि, हमारे जो श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था कि जिस तरह नागों में शेष है, वृक्ष में पीपल, देवताओं में श्री कृष्णा और पक्षी में गरुड़ और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि आप जानते हो कि सावन का महीना है, तो भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं और श्री विष्णु के आराध्य भगवान शिव है। तो सावन के मास में कामिका एकादशी पड़ रही है, तो इसका महत्व तो और भी ज़्यादा और डबल हो जाता है। इस तरह हमें सावन मास में शिव जी की भी सेवा करने का लाभ हो जाता है, शिव परिवार की भी सेवा करने का लाभ हो जाता है और श्री हरि की भी सेवा करने की प्राप्ति होती है। तो इसका व्रत करने से शांति मिलती है और इस प्रकार के पुण्य मिलते हैं, काफ़ी लाभदायी होता है ये व्रत। घर में सुख शांति आ जाती है व्रत करने से। जैसे कि मैं हर एक एकादशी में बताती हूँ कि दशमी तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है, तो आपको दशमी तिथि से ही व्रत शुरू कर देना है। आपको शाम को जल्दी भोजन ग्रहण करना है दशमी तिथि वाले दिन, सात्विक भोजन करना है, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, बिल्कुल ना करें, चावल भी आपको नहीं खाने हैं। फिर अगले दिन एकादशी वाले दिन आपको सवेरे जल्दी उठ के श्री विष्णु जी की सेवा पूजा करनी है। विष्णु विग्रह नहीं हो तो विष्णु विग्रह के स्वरूप की लड्डू गोपाल है हमारे पास, सालिग्राम जी है, वो भी ना हो आप राम जी की भी सेवा कर सकते हो। सुबह उनकी स्नान आदि पंचामृत से करा के धूप दीप नैवेद्य फूल पीले पुष्प आपको चढ़ाने हैं, पीला प्रसाद चढ़ाना है, आप खीर भी चढ़ा सकते हो, चावल की खीर नहीं दूध की खीर चढ़ानी है आपको। तो आप जैसे गाढ़ी दूध की खीर बनती है ना रबड़ी जैसी, वैसे भी आप खीर चढ़ा सकते हो, उन्हें प्रसाद में भोग लगा सकते हो। आपको तुलसी जी की भी पूजा करनी है, तुलसी जी की भी आगे दीप प्रज्वलित करना है। इस दिन एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी नहीं तोड़नी है, ना ही आपको जल चढ़ाना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि इस दिन तुलसी जी लीन होती है प्रभु की भक्ति में, श्री हरि की भक्ति में। तो हमें अगर हम आप व्रत का पारण करें, सेवा पूजा जैसे करते हैं सुबह जल्दी उठ के, वैसे आपको श्री हरि की सेवा पूजा करनी है। उनकी सेवा पूजा करने के बाद आपको भोग में उनको चावल का भोग जरूर से लगाना है, दीप प्रज्वलित करना है। आप खुद प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उन्हें परिपूर्ण करना है। एकादशी के दिन घी का दीपक, गाय के घी का दीपक या तिल का दिया अगर आप श्री हरि के सामने जलाते हो, उससे शुभ कर्मों की बढ़ोतरी होती है, पुण्य बहुत ज़्यादा ही आपके बढ़ जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर से एकादशी वाले दिन घी का या तिल का दीपक प्रभु के सामने जरूर जलाएं, तुलसी जी के पास भी रखें। तुलसी जी की जो मंजरी होती है वो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए और आप एकादशी वाले दिन शालिग्राम जी पे, विष्णु जी पे, लड्डू गोपाल पे चढ़ाइए, तो विष्णु जी जो श्री हरि है वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं और इतने सुख प्राप्त करते हैं और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो आपको मैंने बताया है एकादशी का व्रत आपको कैसे करना है, उसकी पारण विधि भी मैंने बताई है, एकादशी वाले दिन आपको क्या खाना है, आपको फलाहार रहना है, आप एक टाइम नमक का भोजन कर सकते हो अगर आप में शक्ति ना हो तो, अगर आप में शक्ति है तो आप पूरा दिन दूध और फल पे रह सकते हो। इस तरह आपको एकादशी का व्रत करना है। इस एकादशी का व्रत का बहुत ही महत्व है और इसके सारे महत्व मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स पे दीजिए, आपके सुझाव का मैं वेट करूँगी। राधे राधे, धन्यवाद।